तो हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया रहेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है कैसे होने वाला है। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है। यहाँ पर जो है अपडेट और एडमिन जो पैनल है वो मैं देने वाला हूँ। आप किसी भी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। मैंने इससे इसके रिलेटिव हर एक वीडियो अपलोड करके रखा है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो वीडियो है ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप लोग कुछ सीख सकते हैं और हम आपको कुछ सिखा सकते हैं। अगर आप इसको ओनली क्या करते हो, सभी लोग यहाँ पर रिस्टोर कर लेते हैं और बोलते हैं प्रोजेक्ट कहाँ है। ठीक है, प्रोजेक्ट लेके कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपको देखना है, देखोगे तभी समझोगे, जब समझोगे तभी कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया हूँ। प्रोजेक्ट को क्या करना है, रिस्टोर कर लेना है, ताकि आप लोग बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट दे दो। ठीक है, मेरा मकसद प्रोजेक्ट देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो यूजर पैनल है, जो लोग यूज करेगा तो आप इजीली ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या करना है, देखो फायरबेस के अंदर जाना है, फायरबेस डीबी, ये जो आप अकाउंट है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे जो हर एक रिलेटिव वीडियो हमने अपडेट पहले से ही करके रखा है, अपलोड करके रखा है, चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो ओनली आप लोगों को क्या है, ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए, इसके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने डायलॉग का इस्तेमाल करके रखा है। आप चाहे तो कस्टम डायलॉग भी यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। कस्टम डायलॉग कैसे यूज करोगे, उससे उसका रिलेटिव वीडियो हमने चैनल में अपलोड करके रखा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो डायलॉग है, डायलॉग को डिलीट करके इधर कस्टम डायलॉग लगा सकते हैं। तो इसको हम बैक कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बैक कर देने के बाद जो एडमिन पैनल है, इसके बारे में मैं आप को दिखा देता हूं। उससे पहले बोलूंगा कि अब चल रहा है धमाकेदार ऑफर, आप किसी भी प्रोजेक्ट हमसे बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों से। हम जानते हैं कि आप लोग सभी लोग अभी स्टूडेंट हैं, आप कम पैसों से बना सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 100 रुपीज़ तक हर एक चीज़ इसके जो यार का रिलेटिव जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसी जो वीडियो है यहाँ पर देखो अपडेट सेंड, इसके अंदर हर एक फीचर्स मैंने लगा के रखा है इस तरीके का। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना है, ठीक है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि अपडेट सेंड करने के बाद हमारा जो है ये जो अपडेट का हर एक फीचर्स अगर ऐड होके रहे, तो आप लोगों को ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। बाहर आके वन चाइल्ड एडेड इसके अंदर आना है, तो क्या होगा, जो अपने जो भी लिस्ट है वो सब कुछ हमारा सेव होके रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर आप लोगों को व्यू पे आना है सबसे फास्ट, एंड कंपोनेंट वाले ऑप्शन पर जाना है। एंड यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है गेट चाइल्ड एडेड। ठीक है, ये आप लोगों को लेना है अपडेट, हमारा जो है लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है, और व्यू के अंदर जाने के बाद जो टेक्स है, टेक्स को आप लोगों को व्यू करना है, मतलब कि इस तरीके से लगाना है चारों टेक्स को। तो हमने देखो लगा रहा है, और आप लोगों को दिखा देते हैं, हम सेव करके रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, लिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, लिस्ट के अंदर जाने के बाद हमने एक लिस्ट उठाएंगे, तो कौन सा लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, गेट एट वैल्यू एंड की, ये वाला अगर उठा के इधर लगा देते हो तो आप लोगों का बहुत सारे मतलब कि शानदार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है हमारा इडिटेक्स वन में क्या है वो हम डालेंगे, इडिटेक्स टू में क्या है हम डालेंगे, और इडिटेक्स थ्री में क्या है हम डालेंगे, एंड गाइज इडिटेक्स जो फोर है इसमें क्या है हम ए वाला डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लिस्ट जो मैप है इस पर मैप सिलेक्ट करना है। इसका जो इस्तेमाल है सबसे बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हो, मतलब कि अपडेट देने के बाद आपका जो है वो एडिट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेंड अपडेट पे जाते हैं, देखो जो अपडेट है फर्स्ट में है हमारा अपडेट वर्जन, फिर हमारा टाइटल, फिर मैसेज और फिर लिंक। तो यहाँ पे जाने के बाद जो लिस्ट है उसका जो देखो यहाँ पर की है, इस की को आपको देखना है, जैसे कि हमारा रिसेंट वर्जन की है तो हमको रिसेंट वर्जन कॉपी है, फिर टाइटल, फिर मैसेज एंड फिर URL। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आना है, एंड यहाँ से आप लोगों को वही चीज़ आपको डालना है। ठीक है, फर्स्ट में होगा रिसेंट वर्जन, तो रिसेंट वर्जन कौन सा टेक्स्ट के अंदर है आपको देखना है, फिर आपको क्या करना है, टाइटल, टाइटल देना है, फिर आपको देना है मैसेज जैसे कि उधर है। ठीक है, मैसेज, और यहाँ से हम देंगे URL। ठीक है, आपको ठीक से देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाके कि हमारा कौन सा लिस्ट के अंदर क्या है। ठीक है, रिसेंट वर्जन जो है ये हमारा 1 है, टाइटल जो है 2 है, मैसेज जो 3 है, और फोर्थ नंबर पर है हमारा URL, मतलब कि जो भी URL देने वाला है वही URL। ठीक है, यहाँ पे आप
देख सकते हैं हमने लिखा है एडिटेक्स वन में रिसेंट वर्जन, टू में टाइटल, थ्री में मैसेज और फोर में यूआरएल। आपको देखो यहाँ पे लिखा है वन चेंज चाइल्ड चेंज, ठीक है। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, तो हम आपको दिखा देते हैं चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है, तो वही चीज़ आपको लगाना है, ठीक है। देखो रिसेंट वर्जन, टाइटल एंड यूआरएल। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑन चाइल्ड रिमूव, अगर चाइल्ड जो है रिमूव हो जाएगा, हमारा जो अपडेट है हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है हम दिखा देते हैं। अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, हर एक तरीके से आप इसका फीचर्स को लगा सकते हैं। अगर रिमूव होगा तो क्या होगा, आप तो खुद को बनाना है, ठीक है। रिमूव होगा तो क्या होगा, हमारा अगर रिमूव है होगा तो क्या होगा, हम बनाएंगे उसका फीचर्स डालेंगे। इधर से हम टू में आ गए एंड थ्री में आ गए एंड इसको अपडेट कर देंगे एंड यहाँ से फोर में आ गए, ठीक है। अगर रिमूव हो जाएगा तो ये सब कुछ जो है, इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इस तरीके से हम फंक्शन करेंगे, ठीक है। और भी चेंज करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन कैंसिल, अगर ये कुछ कैंसिल अगर हो जाएगा तो क्या होगा, आप हर एक फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। और नीचे हम एक बटन लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम करेंगे अपडेट जो है क्लियर, मतलब कि अपडेट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं अपडेट क्लियर। अगर अपडेट हमारा क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, आप ये समझ सकते हैं। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट जो है काला काला कर देंगे और जो बैकग्राउंड कलर है आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है हम योलो कर देंगे इस तरीके से। तो कौन सा कलर हो गया भाई, ठीक है, योलो कर देंगे इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि देखने में बहुत ही शानदार लगे, 20 कर देते हैं। ये देखो हो गया, अगर अपडेट क्लियर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आपको ऑन क्लिक के अंदर जाना है एंड यहां से देखो कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहां से आप लोगों को नज़र आ रहा है फायरबेस डिलीट की। अगर डिलीट की कर दोगे तो क्या होगा, जो भी की है वो डिलीट हो जाएगा। तो आपका जो की है लिखना है, की कहाँ से मिलेगा, सेंड अपडेट के अंदर जाना है और यहाँ से देखो आपने की लगा के रखा है, ठीक है। हमारा जो की है वो है अपडेट, तो इसको क्या करेंगे हम, जो क्लियर है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपडेट अपडेट, ठीक है। यह हमारा जो है ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा और हम इसको अंदर एक टोस्ट डालेंगे ताकि हमको समझ में आए कि यह हमारा जो अपडेट है ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का एक चीज़ लाएंगे और यहाँ से लगा देंगे टेक्स्ट व्यू एंड यहाँ से हम लिखेंगे क्लियर क्लियर अपडेट, ठीक है। इस तरीके से हम क्लियर अपडेट लिखेंगे और जो ऊपर वाला है हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से आपको फिर से एक लगा लेना है इस तरीके से नीचे आने के बाद, ठीक है। और जो एडिट टेक्स है यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट सक्सेसफुल, अपडेट एंड सक्सेसफुली, ये लिखेंगे अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। शायद ही आप लोगों को समझ में आया होगा और ये हम इसको रन करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितना परसेंट ये वर्क करता है, मतलब कि जब भी इसको आप काट दोगे फिर भी जो भी यूज़र है, ठीक है, जितना भी लोग यूज़ कर रहा है और कौन सा वर्जन का अपडेट चल रहा है सब कुछ आपका इस लिस्ट में आके शो हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जब तक रन हो रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं एंड देखो हम इसको ओपन करेंगे एंड देखो ये ओपन हो गया है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है आ गया है, ठीक है। यहाँ से देखो 1.1 है, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का आ जाएगा जो भी सेव है, ठीक है। यहाँ पे हम देखो चेंज कर देते हैं, जैसे कि है हमारा 1.2 एंड यहाँ पर इस तरीके से कुछ एंड इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सेंड अपडेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल है और हमने सेंड कर दिए। क्लियर पे करेंगे तो जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।